सुखी जीवन के चार सूत्र। प्रथम सूत्र, निश्चिंत होकर सोना। उसका विवरण प्रथम सत्र में किया। द्वितीय सत्र में सुखी जीवन का दूसरा सूत्र था धर्म, और रूढ़ियों से हटकर जो नीचे से ऊपर उठाने वाली वस्तु है उसको धर्म स्वीकार करते हुए प्रतिदिन अंतःकरण से मन लगाकर दिल से कुछ समय धर्म में संलग्न होना सुखी जीवन का दूसरा सूत्र था। सुखी जीवन का तीसरा सूत्र है स्वस्थ संगीत। अब ये जो स्वस्थ संगीत शब्द है, इसमें जो स्वस्थ शब्द है, इससे संकेत मिलता है कि कोई ऐसा भी संगीत होता होगा जो अस्वस्थ संगीत है। तो ये सत्य है कि संगीत भी स्वस्थ और अस्वस्थ हो सकते हैं, और जो अस्वस्थ संगीत होता है वो मनुष्य को व्यसनों की तरफ, अय्याशी की तरफ, मौज मस्ती की तरफ, नीचे की तरफ ले जाता है, और जो स्वस्थ संगीत होता है उसमें शांत संगीत आता है, भक्ति संगीत आता है, शास्त्रीय संगीत आता है, और इस तरह के और भी संगीत हैं जिससे वातावरण में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। रागमालकौंस में यदि भक्तामृत नमोकार का पाठ सुना जाए तो बुखार उतर जाता है, और जैनियों में दिगंबर श्वेतांबर ऐसे जो संप्रदाय हैं, जो शाखाएं हैं, वहाँ श्वेतांबर बंधुओं का ऐसा मानना है कि भगवान जब उपदेश करते हैं तो वो उपदेश संगीतमय होता है, उसमें करोड़ों वाद्य देवता लोग बजाते हैं और उनकी ध्वनि राग मालकौंस में श्रोताओं तक पहुंचती है। वो राग मालकौंस को पूज्य मानते हैं। लगभग स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी स्वतंत्र भारत की, उस समय एक विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान, सरोद वादक, उन्होंने कहा था कि पुराना संगीत सुनकर सिर झूमता था और नया संगीत सुनकर पैर थिरकते हैं। तो संगीत का पतन हुआ है। अब अन्य भी ऐसे अनेक राग हैं, राग भोपाली से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, राग मधुवंती से आधे सिर दर्द में लाभ मिलता है, राग भीम पलासी से कब्ज ठीक होती है, यदि वज्रासन में बैठकर दोपहर 1 से 4 बजे के बीच राग भीम पलासी में नमोकार मंत्र पढ़ा जाए तो लगभग 1 माह तक कब्ज की तकलीफ में आराम रहता है। इसी तरह मध्य रात्रि को राग दरबारी में नमोकार सुना जाए तो हृदय रोग में लाभ मिलता है।
राग कीरवाणी में यदि नमोकार मंत्र सुना जाता है या पढ़ा जाता है तो रीढ़ की जो तकलीफ है, मेरुदंड में जो रीढ़ की हड्डियों में जो तकलीफ होती है, उसमें लाभ मिलता है। संगीत स्वरों का तालमेल है और सुरेलेपन के साथ संगीत में एक लय है और वो लय भी मात्राओं में बंधी हुई लय है, इसलिए वो संगीत तालबद्ध भी है। और सुर और ताल के संगम को यद्यपि बहुत से संगीतकार संगीत कहते हैं, तब भी एक बार किसी बड़ी सभा में ये चर्चा उठी थी कि संगीत की सही परिभाषा क्या है। तो एक अनुभवी व्यक्तित्व ने उस समय अपने अनुभव की बात कही थी, सुर ताल और भाव इन तीनों का जहां मेल हो तब संगीत बनता है। एक गायक अभ्यास करता है, एक वादक भी अभ्यास करता है, दूसरों को सुनाता है, श्रोता सराहना करते हैं, करतल ध्वनि से अपना हर्ष अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन किसी गुरु ने अपने शागिर्द से कहा था, अपने शिष्य से कहा था कि अभी तुमने वास्तविक संगीत को नहीं छुआ है। जिस दिन तुम अपने आप को सुनने में मग्न हो जाओगे तब समझ लेना कि तुमने संगीत में कदम रखा है। बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं, 400 वर्ष पूर्व संगीत सम्राट तानसेन हुए थे, फिर अन्य भी बहुत सारे उस्ताद और पंडित हुए हैं संगीत के। पंडितों में पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित जसराज जी, और महाराष्ट्र के प्रभाकर कारेकर, वसंतराव देशपांडे आदि बड़े बड़े गायकी वाले संगीत मर्मज्ञ थे। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जब वो गाते थे तो बल्ब के कांच चटक जाते थे। और केवल ये भारतीय संगीत तक सीमित नहीं है, संगीत का जो जगत है बड़ा विस्तृत है। पॉल रॉबसन नाम के एक गायक थे, जब वो टेबल पर ऐसे अपनी कोहनी टिकाकर सामने एक ग्लास रख करके गाना शुरू करते थे, ग्लास टूट जाता था। तो जिस संगीत से ग्लास टूट सकता है, उस संगीत से क्या रोग विध्वस्त नहीं हो सकता? कई बीमारियां नष्ट हो जाती है संगीत से, बड़ा प्रभाव होता है संगीत का। वही पंक्ति जो किसी कवि ने लिखी है उसको एक राग में गाने पर अलग प्रभाव पड़ता है और दूसरे राग में गाने पर अलग प्रभाव पड़ता है। फिल्मी जगत में भी बहुत बड़े बड़े साधक हुए हैं संगीत के, बहुत बड़े बड़े साधक हुए हैं, जयदेव, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, शंकर, जय किशन, एक एक गाना तैयार करने में एक एक महीने लग जाते हैं। एक गीत तो रवि नामक संगीतकार ने लगभग 18 वर्ष में तैयार किया था।
तो जो संगीत की जगत में डूबे हुए हैं उनके लिए संगीत साधना है, सुनने वालों के लिए मनोरंजन है। कितना अंतर है दोनों में। तो यदि कोई संगीत को न भी समझता हो तो भी संगीत का असर बड़ा अद्भुत होता है। बाल्यकाल में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक गुरुजी के पास जाया करते थे, आचार्य पंडित बिमलेंदु मुखर्जी हमारे गुरुजी थे, बड़े भारी संगीतकार थे। तो एक दिन वो नए घर पर गए तो हम लोग बच्चे लोग वहाँ पर गए पहुँचे तो बगीचे में बहुत सारे पेड़ थे, फल लगे हुए थे, अमरूद खा करके हम लोग वहाँ पहुँचे तो गुरुजी बोलते कि कैसा स्वाद है। तो हम लोग बोले कि बिल्कुल फीका है। बोले एक साल बाद देखना, अब वो वहीं आंगन में बैठकर संगीत की साधना करते थे। और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि अब देखो खा के देखो कैसे लगते हैं वो फल। तो खाया तो एकदम मीठे फल थे। तो पूछा कि कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र डाला क्या, कोई विशेष खाद डाली क्या उसमें। बोले नहीं, ये ध्वनि तरंगों का जो प्रभाव होता है वो वनस्पतियों पर भी होता है, प्राणियों पर भी होता है और मनुष्यों पर भी होता है। तो स्वस्थ संगीत सुखी जीवन का तीसरा सूत्र है और इसमें अपन चयन कर सकते हैं कौन सा भजन अपने को सबसे प्रिय है। कुछ भजन ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं होते, उनके शब्दार्थ जो होते हैं वो सब पर लागू होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो संप्रदाय विशेष के होते हैं, तो जिसको जो भी इष्ट हो वो संगीत। यदि कहते हैं कि रात को सोने से पहले आप 20 मिनट बाद सोने वाले हैं तो 20 मिनट तक आप संगीतमय कोई पाठ कर ही लीजिए। तो ये जो खुर्राटे आती है ना, कुछ दिनों में खुर्राटे आना बंद हो जाएंगी आपके। ये खुर्राटों का एक संगीत चिकित्सा में उपचार बताया कि सोने से 20 मिनट पहले आप पाठ करके सोइए, कीर्तन भजन गा करके सोइए, तो आपकी खुर्राटे बंद हो जाएंगी। और देखिए चार पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं, पहले ऐसे ही सुनाते हैं और फिर गाकर सुनाते हैं। आप स्वयं देखिएगा कि कैसा लगता है। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये चार पंक्तियां हैं, काव्यात्मक है। अब इसको अगर अपन किसी राग में गाते हैं, मिश्र शिवजन जी राग लेते हैं, उस राग में जब सुनते हैं और शांत चित्त होकर सुनते हैं तो उसका प्रभाव बदल जाता है। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, यह सुअवसर
खो दिया तो अंत में पछताएगा, जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। सोने से पहले 12 भावनाओं का पाठ कर सकते हैं, वैराग्य भावना का पाठ कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, जय जय आदीश्वर स्वामी, जय जय आदीश्वर स्वामी। और जब ये ध्वनि कंठ के स्थान पर हृदय से निकलती है, तब वो हृदय में प्रवेश करती है। दिल की बात दिल को छूती है, मुंह की बात कानों से टकरा कर समाप्त हो जाती है। एक उस्ताद ने बड़े महत्व की बात बताई थी, ये संस्मरण शिक्षाप्रद होते हैं इसलिए हम बीच बीच में सुना देते हैं। कहीं से भी अपने को अच्छा ही मिले तो गुण ग्रहण का भाव रहे नित, मेरी भावना में लिखा हुआ है कि वहां से अपन गुण को ग्रहण कर ले। वो कहते हैं कि हम लोग पहाड़ी इलाका से हैं, हम लोग ऊपर पहाड़ पे रहते थे तो एक नियम है कि पहाड़ चढ़ते समय दृष्टि नीची रखनी पड़ती है। यदि पहाड़ चढ़ते समय आपने दृष्टि ऊपर की तो संतुलन बिगड़ जाएगा, और उतरते समय आप सीढ़ियों को देखकर नहीं उतर सकते, आपको दृष्टि थोड़ी सी दूर रखनी पड़ती। तो उन्होंने यही उदाहरण अपनी संगीत यात्रा को लेकर के प्रस्तुत किया था। कि जब हम नीची निगाह रख करके आगे बढ़ते हैं तो ऊंचाइयों को छूते हैं, यानी जब तक हमारे अंदर अभिमान नहीं आता तब तक हम उन्नति के पथ पर होते हैं। लेकिन जिस दिन तालियों की गड़गड़ाहट में हमें बड़प्पन की अनुभूति होने लग जाती है, और जब हम संगीत को छोड़कर उन ताली बजाने वालों को संकेत करना प्रारंभ कर देते हैं और उनको प्रसन्न करने लग जाते हैं, अपनी संगीत साधना छोड़कर उनका मनोरंजन करने में ही संलग्न हो जाते हैं, तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, हमारा विकास रुक जाता है। ये संगीत की साधना ऐसी साधना है कि इसमें कौन सुन रहा है इससे कोई मतलब नहीं है,
दिल गा रहा है, और जो शब्द हैं वो किसी के लिए समर्पित हैं, वो सामने हो या ना हो। जैसे एक बार हम सामायिक में बैठे थे, जबलपुर की घटना है, मड़िया जी में हम सामायिक कर रहे थे सायंकाल। पता नहीं हमें ऐसे ही भक्तामर पढ़ने की इच्छा हुई और हम पढ़ते पढ़ते शास्त्रीय संगीत में पढ़ने लगे, और वो धुन कैसे बनी ये हम स्वयं नहीं जानते, लेकिन बन गई। और कालांतर में फिर उसका ध्वनि मुद्रण हुआ। वो धुन कुछ इस प्रकार की थी, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्युत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा ज्वालम बनम भव जले पततांजनाना। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम्। तो ये अंतरलय तक पहुंचाने वाला जो संगीत होता है वो स्वस्थ संगीत होता है। ये स्वस्थ संगीत शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। कुछ लोग जब मन से विक्षिप्त होते हैं, जैसे अहमदाबाद में हरिगंगा नाम की एक सोसाइटी है, वहाँ पर एक बहन सब याद भूल गई थी, उसकी याददाश्त चली गई थी, तो फिर संगीत चिकित्सा में उनको फिर राग मिश्र शिवरंजनी वाद्यों पर जो बजाया गया था वो उनके घर पर चालू ही रखते थे, वो रात दिन बजता रहता था, और 3 महीने में उसकी पूरी याददाश्त वापस लौट करके आ गई। तो 3 महीने की संगीत चिकित्सा से वो स्वस्थ हो गई, राग मिश्र शिवरंजनी। तो स्वस्थ संगीत अस्वस्थ को स्वस्थ बना देता है, और अस्वस्थ संगीत स्वस्थ को अस्वस्थ बना देता है। अस्वस्थ संगीत वो संगीत है जो आपको, देखो अगर भक्ति करनी है तो लय भी भक्तिपूर्ण हो। आप डिस्को की लय में भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति का संबंध डिस्को के साथ हो ही नहीं सकता। तो यदि इतना विवेक, पहले क्या था गुरुकुलों में जो विषय पढ़ाए जाते थे उन विषयों में सामुद्रिक एक विषय होता था, संगीत भी एक विषय होता था, वो पूरी जो 72 कलाएं सिखाई जाती थी गुरुकुलों में बालकों को, और बालिकाओं को 64 कलाएं सिखाई जाती थी। तो एक आदर्श नागरिक होते थे वो देश के, और संस्कृति को समृद्ध करने वाले लोग होते थे। और अब क्या, अब स्थिति ऐसी है कि एक दूसरी पद्धति आ गई, शिक्षण पद्धति, जिसमें अधिक कमाई कैसे हो वही लक्ष्य रह जाता है। जीवन में क्या कमाई हो रही है इसकी चिंता नहीं है, जीविका में क्या कमाई हो रही है वो प्रधान हो गया। तो वो जीविका जो है वो तो कुछ समय तक चलेगी, पर जीवन तो अंत तक चलेगा।
जब जीविका समाप्त हो जाएगी, शरीर साथ नहीं देगा, तब भी जीवन तो चलता रहेगा, और अंत में जब जीवन की बेला समाप्त होने लगेगी, तब लगेगा कि क्या प्राप्त किया मैंने, मैंने बहुत कुछ खो दिया। बचपन में मेरे अंदर बहुत सारी क्षमताएं थी, युवावस्था में क्षमताएं बढ़ गई, लेकिन मैंने चतुराई सीखी, मैंने भलाई नहीं सीखी। काश मैं भलाई सीख जाता तो आज मुझे शांति का अनुभव होता। मेरी अशांति का मुख्य कारण मेरी चतुराई है। चतुराई अंत में काम नहीं आती, अंत में भलाई ही काम आती है। इसलिए ऐसे संगीत को पसंद करें जो स्वस्थ संगीत है, और जो केवल सुरों की साधना तक सीमित न हो, बल्कि भावों से प्रभावित हो। दिल को छूने वाला संगीत, दिल तक जाने वाला संगीत। एक बादशाह किसी संगीत गुरु का स्वर सुनना चाहते थे, तो उनका जो शिष्य था वो तो बादशाह से जुड़ा हुआ था। जब भी बादशाह आदेश देते थे तो वो गाने लग जाते थे। तानसेन उनका नाम था। तो बादशाह अकबर जब बोलते थे कि तुम राग दरबारी सुनाओ, तो मियाँ की तोड़ी सुनाओ, मियाँ की मल्हार सुनाओ, तो वो आदेश के अनुसार जो हुक्म जनाब जहाँ पना बोल करके गाना शुरू कर देते थे। लेकिन बोले कि तुमने जिनसे संगीत सीखा है उनको सुनना चाहता हूँ मैं। तो बोले कि वो ऐसे गुरु हैं जो फरमाइश पर नहीं गाते, बोले जब उनकी अंतरात्मा कहती है तब गाते हैं। तो कुछ भी उपाय करो, बोले मुझे सुनना है। तो वो वहाँ जाता है, और गुरु जिस कुटीर में रहते थे वहाँ पास में बैठ करके वो कुछ गाना प्रारंभ करता है। शिष्य गाना प्रारंभ करता है और जानबूझ करके थोड़ा सा चूकता है, जो कोई सुनने वाला नहीं समझ सकता, सिर्फ गुरु समझ सकते थे। तब फिर गुरु ने बोला ऐसे, तानसेन तुम ऐसी गलती कर रहे हो। बोले गुरुदेव आप एक बार और मुझे सिखा दीजिए। तो बस फिर गुरु उसको गा करके सुनाते हैं कि ऐसे गाया जाता है। तो बादशाह जो थे छुप करके वहाँ से सुन रहे थे, बोले कि क्या गुरु है तुम्हारे, अद्भुत।